यूपी के संभल में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 25-25 हजार के दो इनामी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों आरोपियों पर कई थानों में दर्जन भर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। खबरों की माने तो आरोपियों ने 5 दिन पहले 2 लाख की लूट को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा नकदी समेत अवैध असले भी बरामद किए हैं। जी सर, SBI से मैं 2 लाख रुपये निकाल के ला रहा था, रास्ते में इन्होंने पेट्रोल पंप के सामने हाथ में हल्के ढीमी कराने के बाद गाड़ी ले ली, जिसके उपरांत मैंने FIR कराई सर यहाँ पे थाने में, और सर ने खुलासा 8/12/2021 में राम निवास द्वारा अपने इसमें SBI बैंक में 2 लाख रुपये लेने के लिए गया। इनके द्वारा अभियुक्त के द्वारा रिकी करने के बाद अब वादी से 2 लाख रुपये लूटे गए। उसके उपरांत SP द्वारा तीन टीम गठित की गई। गठित करने के उपरांत टीम के द्वारा CCTV में द्वारा और मुखबर के द्वारा बदमाशों का आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद SP द्वारा 25-25 हजार के मुकदमे इनाम पंजीकृत कराया गया। चित्रकूट में 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। ये हिंदू एकता महाकुंभ आज से लेकर 16 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 15 दिसंबर को RSS प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और देश विदेश के कोने कोने से साधु संत और सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी इस महासभा में शामिल होंगे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक संत के रूप में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कलाकार आशुतोष राणा, मालिनी अवस्थी, कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी, गीतकार मनोज मुंतशिर सहित तमाम कलाकार भी हिंदू एकता महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ऐसे में चित्रकूट में ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आपको बता दें, हिंदू एकता महाकुंभ का ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से साधु संतों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो हमने हिंदू एकता महाकुंभ का निर्णय लिया, वही हमारी चित्रकूट की धरा पर, जो भगवान राम की संकल्प भूमि है। आप देख ही रहे हैं, यह 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा 14-15-16 दिसंबर के लिए। यज्ञशाला बन चुकी है, टेंट बन चुके हैं, पांडाल भव्यता की ओर बढ़ रहा है, बन ही गया है प्रायशः। और हमारे तुलसीपीठ के तरुण उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास तपस्या कर रहे हैं, रात और दिन लगे हुए हैं। मैं भी रात और दिन श्रम करने से कोई पीछे नहीं हट रहा हूं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ चित्रकूट से हमारे संवाददाता राज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज, जिस तरह से ये हिंदू एकता महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का रखा गया है? जी मैम, यहाँ पे जो इसका उद्देश्य है हिंदू धर्म की एकता को लेकर के, जो राम भद्राचार्य जी इसके वो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा पूरे चित्रकूट में एक महायज्ञ कराया जाएगा जी, और जिसमें 3 दिवसीय यज्ञ होगा। और यहाँ पे कई मुख्यमंत्री, कई जी बड़े नेताओं का भी आगमन हो रहा है जी। जी जी बिल्कुल राज, और क्या क्या इस कार्यक्रम में होने वाला है? जी यहाँ पे जगतगुरु राम भद्राचार्य की अध्यक्षता में यहाँ पे RSS प्रमुख मोहन भागवत का आयोजन होगा, शिरकत करेंगे और संबोधन करेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे जी। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चित्रकूट में ये हिंदू एकता महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।